नमस्कार, मैं हूं मुकेश शाही। इंडिया लाइव न्यूज में दर्शकों का स्वागत करते हुए नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। सांगली जिले के अंकलखोप गांव में बने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मारक की इन दिनों दुर्दशा हो रही है। 6 दिसंबर पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले सभी दलित बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हैं। सांगली जिले के पलूस तहसील के अंकलखोप गांव में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की समाधि है। इस समाधि का महत्व इसलिए भी बड़ा है कि इस समाधि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अस्थियां रखी गई हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के देहांत के बाद इस गाँव के 4 दलित युवकों ने बड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर बाबा साहेब की अस्थियों को हासिल कर यहां लाया था। इसके महत्व को देखते हुए तत्कालीन महाराष्ट्र के मंत्री पतंगराव कदम के प्रयासों से अंकलखोप गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से एक स्मारक निर्माण की शुरुआत की गई। इसके लिए 2,80,00,000 रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इसमें से स्मारक के लिए 90,00,000 खर्च किए गए। यह स्मारक 2012 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज 5 साल के बाद यह स्मारक टूट की कगार पर पहुंच गया है। यांच्या तुम्ही अस्थी आणायला कुठे गेला होता? कुठे गेला होता? कोणत्या गावाला गेला होता? कोणत्या गावाला गेला होता? कुठे? आंबेडकरांची अस्थी आणायला आंबेडकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कोण आहे? आम्ही चौक होतो। हा, चौक होता। मग कुठल्या गावाला गेला होता? बोला बोला बोला। कुठल्या गावाला गेला होता? कुठल्या गावाला गेला होता तुम्ही काय वाढले नाही ना? हा, त्यांच्या माहिती गेली गेला होता तुम्ही, आणि त्यावेळेस तुम्ही आणल्या त्या असती आणि त्या तुम्ही इथे लावल्या। इस गाँव में हम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की जो समाधि है, इस समाधि के पास हम ठहरे हुए हैं। इस समाधि की जो दुरावस्था हो गई है वो आज तक किसी भी शासन ने देखिए उनकी नज़र में नहीं आई। और आज जो समाधि की स्थिति है, हमारे समाज कल्याण कार्यालय में, जिला समाज कल्याण कार्यालय में एक 2,80,00,000 रुपए जो निधि आया था उसमें से 90,00,000 रुपए खर्चा खाली स्मारक के लिए हो गए, और बाकी का जो निधि अभी शासन के पास शिल्लक है उससे इस समाधि के जो दुरावस्था हो गए वो सीधा करने के लिए लगाए। ऐसे हमारी मांग राष्ट्र विकास सेना की तरफ से वो 2 करोड़ के आसपास जो रकम है इससे यहाँ पे नंदनवन बना जाए, क्योंकि ये समाधि जो है ये किसी आम आदमी की नहीं, तो देश की घटना जिन्होंने लिखी और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी ये समाधि है। इसीलिए यह हमारे श्रद्धा स्थान है, सभी दलितों का श्रद्धा स्थान यहाँ है। इसलिए इस समाधि का नंदनवन बनाया जाए, ऐसे शासन को हमारी एक विनती है। अगर शासन हमारी ये विनती नहीं मान, हमारी मांग पूरी नहीं करता, तो हम कल 6 दिसंबर से राष्ट्र विकास सेना की तरफ से हम यहाँ पे आमरण उपोषण ऐसा कर रहे। जब तक शासन हमारा हमें सीधा न्याय नहीं देता तभी तक ये करने के आज समय आ गए, इसलिए राष्ट्र विकास सेना आज यहाँ पे आ गए। स्मारक का काम अभी भी अधूरा है। इस स्मारक की देखभाल नहीं होने के कारण यह स्मारक शराबियों के लिए पनाहगार साबित हो रहा है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। सांगली में सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शिव गर्जना संस्था की ओर से गन्ना वाहतूक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महाअभियान तथा शिव गर्जना सामाजिक संस्था की तरफ से गन्ना वाहतूक करने वाले वाहनों पर रात के समय दिखाई देने वाले रिफ्लेक्टर लगाने का काम शुरू किया गया है।
महाराष्ट्र में इस समय लगभग सभी गन्ना मिल चालू है। इन गन्ना मिलों के लिए ट्रैक्टर, ट्रक, बैलगाड़ी आदि वाहनों से गन्ने ले जाए जाते हैं, लेकिन कई बार वाहन ना दुरुस्त होने के कारण रोड के किनारे खड़े होते हैं। रात के वक्त यह वाहन कभी कभी दिखाई नहीं पड़ते, इसी कारण छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। इन हादसों को टालने के लिए सामाजिक संस्था तथा सरकारी महकमे की ओर से प्रयास किए जाते हैं। आज चिंचणी येथे अनुलोमच्या प्रेरणेने शिवगरणा मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने रस्ते वाहतूक सुरक्षा अभियाना अंतर्गत ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रिफ्लेक्टर लावण्यात आले। या रिफ्लेक्टर लावण्यासाठी या ठिकाणी चिंचणी वाघी पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज सोनोलकरजी व त्यांचे सहकारी एस आय पाटील व झेंडे या ठिकाणी उपस्थित होते। हे रिफ्लेक्टर लावण्याचा उद्देश हा आहे की पाठीमागच्या चार ते पाच दिवसांमध्ये आमचे मित्र अमोल एकनाथ माने यांचा ऊस भरलेल्या ट्रॅक्टरशी धडक होऊन त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला। काहीतरी समाजकार्य केलं पाहिजे, समाजकार्याच्या उद्देशाने आम्ही हे काम हाती घेतलं आणि या कामाला आम्हाला सहकार्य चिंचणीचे सरपंच अभिजित पाटील तसेच बाकीचे इतर ग्रामस्थांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सहकार्य केलं, मी त्यांचं शतश आभारी आहे। इसी कड़ी में सामाजिक संस्था महाअभियान एवं शिव गर्जना तथा चिंचड़े गांव की नागरिकों की तरफ से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल के थाना हयात नगर क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने कालाबाजारी कर रहे राशन डीलर को पकड़ा। जनपद संभल के थाना हयात नगर क्षेत्र के हयात नगर मोहल्ले की महिलाओं को सूचना मिली कि विजयपाल राशन डीलर कालाबाजारी को केरोसिन तेल ले जा रहा है। महिलाओं ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने में दी। पुलिस ने सूचना के आधार पर पहुंचकर केरोसिन तेल को थाने ले आई और पूर्ति विभाग को इसकी जानकारी दी। मामले की सूचना मिलते ही मोहल्ले की महिलाएं काफ़ी संख्या में इकट्ठा होकर थाने पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि विजयपाल नाम का राशन डीलर महिलाओं का न तो समय से राशन देता है और न ही उनको केरोसिन तेल देता है, बल्कि उनके हक का राशन ब्लैक कर देता है और उनसे बदसलूकी भी करता है। अभी ये सूचना मिली कि हयात नगर के पास थाने पे जो है पुलिस वालों ने जो है एक ई रिक्शा को जिसमें कि दो केन रखा हुआ था उसको रखा गया है, जो कि मोहल्ले वासियों द्वारा जो है पकड़ा गया है और उसको थाने पे ले आया गया है। मामले की आगे की कार्रवाई अब जांच पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई बताई जा सकेगी। सर कितना तेल जानकारी मिल रहा है? जानकारी में अगर ये दोनों कैने भरी हुई हैं तो लगभग 100 लीटर के करीब मिट्टी का तेल। किसका माल बताया जा रहा है? मोहल्ले वाले द्वारा बताया जा रहा है कि ये विजयपाल गुप्ता सरकारी राशन विक्रेता है। मोहल्ले वालों का आरोप है जो राशन डीलर है वहाँ का वो सालों सालों से तेल ही नहीं बांटता और इस तरह से ब्लैक में पकड़ा जा रहा है, अलग अलग कहाँ जा रहा है? इसकी तो जांच पड़ताल ही हो सकती है। अब इसकी जांच पड़ताल होने ही जा रही है, अब उसका स्टॉक चेक वगैरह होगा। हम लोग आया तो हमें कुछ सूचना मिली तो हम भी देखे तो यहाँ आकर देखा तो वास्तव नहीं है। फिर अब हम जो अपने कार्टों की कह रहे हैं कि हमारे कार्टों पर ना दिया तेल और यहाँ पकड़ गया। फिलहाल उक्त मामले में सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच की बात कही है। अब देखना होगा कि आरोपी राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के जिला चिकित्सालय में तैनात स्टाफ नर्स इन दिनों मरीजों के साथ बदसलूकी करती नजर आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बहराइच जनपद के जिला चिकित्सालय में इलाज के नाम पर स्टाफ नर्स देती है मरीजों को धमकी तथा करते हैं अभद्रता का व्यवहार, नहीं देते हैं कंबल और चादर। 4 दिसंबर को मरीज सीमा पत्नी मोहम्मद आसिफ मोहल्ला गुल्लाबीर कॉलोनी के सलारगंज बहराइच की रहने वाली है, जो कि वर्तमान समय में जिला अस्पताल में वार्ड नंबर 3 में बेड नंबर 1 पर भर्ती है। मरीज के घर वाले स्टाफ रूबी, जो कि अस्पताल में संविदा पर तैनात हैं, मरीज की बोतल खत्म होने पर स्टाफ से कहने लगी तो स्टाफ रूबी ने अभद्रता का व्यवहार किया तथा लापरवाही से बीगो निकाला जिससे मरीज का काफ़ी खून बह गया। ऐसे ही उसी वार्ड के बेड नंबर 15 के मरीज तुलसी राम, जो कि एक संत हैं और सांस की बीमारी से ग्रसित हैं,
चलने फिरने में अस्वस्थ है, उसे भी गाली तथा मुफ्त में खाना खाने की बात कहकर थाने में बंद कराने की बात कही। ये तो कहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा काम नहीं है, आप किसी को बुला लीजिए। तो हम कहा आप ही बैठी हैं, आप हम किसको बुलाएंगे, जब आप बैठी हैं तो आप ही को बुलाएंगे। तो कहीं हम नहीं जाएंगे, हम किसी का ठेका नहीं ले रखे हैं। तुमने तो हमारा दिमाग खराब कर रखा है, जब देखो तब मेरे पीछे चली आती हूँ चली आती हूँ। तो हमका जब तुमका नहीं करना था तो फिर आप डॉक्टर क्यों बनी थी? आप डॉक्टर नहीं बनती तो हम आपके पीछे नहीं लगते। तो कहीं जितनी जो है गरीब होती गंदी गिरी हुई औरतें वो सब यही कहती हैं, यहाँ कहाँ से तुम्हारा व्यवस्था बनाया, तुम्हारी बाहर से दवाई एक भी नहीं लगाएंगे हम जी। जो हमारे हॉस्पिटल में वही लगाएंगे और बाकी नहीं लगाएंगे, मरो या जिंदा रहो हमसे कोई मतलब नहीं है। कितने दिनों से बढ़ती है? परसों से। तो यहाँ पर क्या सुविधा है, कोई डॉक्टर देखने आते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? हो गया। हम क्या करें, किसी की बदनामी करके हम सुखी होते हैं तो क्या करने आते हैं। एक नर्स सुबह जो हमारे साथ बर्ताव किया है मैं ही जानता हूँ, जो घुसना है लिखना है लिख लीजिए, मरना तो है ही एक दिन। जब यहाँ कुत्ते के सामान और सुअर के सामान खाना खाने आए हैं तो दवा कराए। मरीज अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर पड़ा रहा। दोनों मरीजों ने इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र का है, जहां खेत में काम कर रहे एक मजदूर की पिटाई खेत मालिक ने कर दी, जिससे मजदूर की मौत हो गई। मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इमरता गांव का है, जहां खेत पर काम करने गए अमर सिंह को खेत मालिक ने बेरहमी से मार पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का कहना है कि बीते दिन हुए मामूली सी बात पर खेत मालिक ने काम करने आए किसान और उसके बेटे को लात घूसों से बेरहमी से मारा था, जिसके बाद इस संबंध में किसान के बेटे ओमकार ने नजदीकी पुलिस चौकी में जाकर इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिससे खेत मालिक ने गुस्सा होकर सुबह पहले तो किसान को खेत पर काम करने के लिए जबरदस्ती बुलाया, उसके बाद किसान के साथ मारपीट की, जिसके बाद किसान को गंभीर स्थिति में छोड़कर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद परिजन पीड़ित अमर सिंह को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने हालत गंभीर होने के कारण अमर सिंह को जोहर अस्पताल रेफर कर दिया। अमर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहां पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मामला यह है, ये मेरे सांडू के भाई हैं, ग्राम में वर्ता में रहते हैं। कल इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, जो करण सिंह है वो इनको मजदूरी के लिए अपने खेत में काम कराने के लिए ले गए थे खीरा तोड़वाने के लिए। ठीक, इन्होंने मना किया, मैं आज खीरा तोड़वाने नहीं जाऊँगा, काम करने का मेरा मन नहीं है। बोले चलो बेटा तोड़वा दे यार, मेरा काम हो जाएगा। ये गए खेत पर, गए जाने के बाद में इनसे बोले वो लोग कि खीरा ऐसे तोड़ते हैं, खीरा तोड़ने का तमीज़ है तेरे को? ये बोला मेरे को काम नहीं करना, मेरे घर जाना, जो पैसे बनते हैं वो भी मत देना। फिर ये जब वहाँ से खेत में चले, उन दोनों लोगों ने इनके आके रास्ते में पिटाई की। फिर सुबह को ये होता है, सुबह को ये लोग बताते हैं कि सुबह को हम घर से जब खेत के लिए गए तो मुझे इन जो एक्सपायर हुए हैं अमर सिंह, उनको घेर के मारा। उसके बाद में उनको तुरंत परेशानी पड़ी, हम तुरंत तत्काल हॉस्पिटल ले गए रामपुर, वहाँ से उनको उन्होंने रेफर किया। बोले आप जो है जौहर ले जाइए, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, हम जौहर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ सूचना हुई, उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा है, इनका चांस जो है, इनके चोट लगी है सीने पर और कुछ ऐसा फाइल हुआ है, चांस बहुत कम है बचने। पुलिस को कल सूचना दे दी थी, FIR करा दी थी, पुलिस गाँव में नहीं पहुँची, पुलिस पहुँच जाती तो ये झगड़ा सुबह को नहीं होता। इस घटना ने पुलिस की कार्य शैली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कितनी जल्द फरार अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब हो पाती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। लेते हैं ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें,
तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें नामांकन के समय सत्ताधारी पक्ष की निर्वाचन के लोग आवाभगत करते नजर आए। जहां एक ओर चुनाव आयोग निर्वाचन में सत्ताधारी दल की दखल और सभी पार्टियों को एक समान निर्वाचन प्रक्रिया का पालन कराने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा के उपचुनाव में सत्ता की हनक देखने को मिली। निर्वाचन प्रक्रिया में लगे निर्वाचन अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारी भी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के आगे बेबस दिखे और निर्वाचन आयोग के आदेशों की ताक पे रखते हुए सभी नियम कायदे तोड़ भाजपा नेताओं के आवभगत में लग गए। दरअसल सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र भाजपा विधायक मथुरा पाल के निधन के बाद 22 दिसंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इसी के चलते कानपुर देहात के जिला अधिकारी कार्यालय में 27 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी और नामांकन का आखिरी दिन था, जहां कांग्रेस और सपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के प्रभाकर पांडे और सपा प्रत्याशी पवन कटियार ने नामांकन का एक सेट दाखिल कर दिया था। भाजपा ने देर से प्रत्याशी घोषित करते हुए दिवंगत विधायक के पुत्र अजीत पाल को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी अजीत पाल ने नामांकन कराया। इसी के चलते नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और सपा के प्रत्याशियों ने नामांकन अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ कराया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रभाकर पांडे सीने स्टार महिमा चौधरी के साथ नामांकन कराने पहुंचे, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए सीने स्टार महिमा चौधरी को नामांकन कक्ष में नहीं जाने दिया। किस पार्टी के नेता है जो आ रहे हैं यहाँ पे आचार संहिता को? यहाँ पे नीतम सचन कांग्रेस पार्टी भाजपा बीजेपी सब अंदर घुसे हुए, लेकिन मेरी गाड़ी को बाहर रोक दिया गया जिससे कि हमारे प्रत्याशी का नामांकन न हो पाए। किस पार्टी से हैं? निर्दलीय। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी अजीत पाल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और विधायकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के चलते उनके नामांकन कक्ष में जाने दिया। प्रशासन द्वारा सत्ताधारी नेताओं को नामांकन कक्ष में जाने दिए जाने से विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रशासन पर सत्ता के इशारे पर कार्य करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से राहुल कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। जालौर के जसवंतपुरा उपखंड में चल रहे 2 दिवसीय योग जन शिविर में देरी से पहुंचे डॉक्टर, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विशेष योग जन शिविरों में नजर आ रही डॉक्टरों की लापरवाही, शिविर में समय पर नहीं पहुंच रहे डॉक्टर, दिव्यांग कर रहे हैं डॉक्टरों का इंतजार। जालौर के जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर राजकीय अस्पताल में चल रही 2 दिवसीय विशेष योग जन शिविर में डॉक्टरों ने लापरवाही की हद कर दी। 2 घंटे देरी के बाद भी शिविर में नहीं पहुंचे डॉक्टर, दिव्यांगों को झेलनी पड़ी परेशानियां। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योगजन शिविर में जिले के उपखंड मुख्यालय पर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें शिविर में डॉक्टर देरी से पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर दिव्यांगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा ही जसवंतपुर मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर 2 से 2.5 घंटे देरी के बाद शिविर में पहुंच रहे हैं। राजस्थान के जालौर से हीरालाल भाटी की रिपोर्ट। भीनमाल उपखंड के बाहर बहुजन समाज के संगठनों द्वारा विशाल धरना एवं प्रदर्शन किया गया।
भीनमाल स्थानीय उपखंड कार्यालय के बाहर अंबेडकर जन जागृति संस्थान के तत्वाधान में समस्त बहुजन समाज के संगठनों की ओर से विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें जालौर जिले में बहुजन समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर रोष प्रकट किया गया एवं पुलिस और प्रशासन की नाकामी और असहयोगात्मक रवैये के खिलाफ घोर निंदा की गई। साथ ही बागौड़ा उपखंड के नरसाना गांव में त्रिकाराम मेघवाल की हत्या प्रकरण, वाटेरा में आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनुसूचित जात जनजात छात्र छात्राओं को समाज उपयोगी उत्पाद कार्य में भोजन आदि कार्य में सामाजिक भेदभाव, सायला तहसील में उंडरी गांव में भील बालिका के साथ में ज्यादती एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला, भीनमाल में रामचंद्र पुत्र हमीर जी जाटिया के घर में हुई चोरी के मामलों में पुलिस की हो रही नाकामी को लेकर उपस्थित लोगों ने रोष प्रकट कर पुलिस प्रशासन की कड़ी निंदा की। अंग्रेजों से बहुत लंबी लड़ाई लड़के और दिलवाया था, आज उस वोट का हसर ये हो रहा है कि उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। और उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान के भीनमाल से रमेश फुलवारिया की रिपोर्ट। पंजाब के फिरोजपुर शहर में आधुनिक पार्क और जिम के निर्माण के लिए परमिंदर सिंह पिंकी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। फिरोजपुर शहर में आधुनिक पार्क और जर्मन तकनीकी जिम के निर्माण के लिए कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी और डिप्टी कमिश्नर श्री रामवीर की तरफ से अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ नगर कौंसिल फिरोजपुर के आते इलाके पुराने टीबी अस्पताल के पिछले तरफ एक सरकारी जगह का निरीक्षण किया गया, जो कि पिछले लंबे समय से बंजर और खाली पड़ी थी, जिस पर इन दिनों काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही थी, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। शहरवासियों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए फिरोजपुर शहर से कांग्रेस विधायक ने इस जगह को पार्क के लिए चुनते हुए निरीक्षण किया, जिनके साथ इस अवसर पर फिरोजपुर के SDM हरजीत सिंह संधू भी उपस्थित थे। अज का पार्क जो तकरीबन 8 किलियां बन रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, इस करके मैं समझदा है कि पार्क जो लोगों के वास्ते काम आएगा, लोगों की भलाई के काम आएगा। जिमें जिमें आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ रही है, होर यहोजा हो रहा है, वो फिरोजपुर कोई अच्छा पार्क नहीं, ये पार्क मेरा ख्याल कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट सब तो वधिया पार्क है। अमृत स्कीम के थले असं बना रहे हैं, ये कोई तकरीबन 1 करोड़ रुपया लगा। सब तो पहला तो मैं धनवादी हाँ साड़ी स्टेट गवर्नमेंट का कि जिन्होंने जमीन सानू लग के दिती, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, इस करके मैं एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का तो साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का धनवाद करता कि जमीन फिरोजपुर के लोगों को लग के दिती। अगर ये जमीन होर 2 साल रह जाती इतने तो ये भू माफिया ने होर कब्जा कर लेना सी। ये टोटल जमीन सी 15 किले समथिंग, जिद लोगों ने जबरदस्ती व्डे व्डे लोगों ने भू माफिया ने कब्जा किया होता, भी असी लीगल एक्शन ला जी। मैं तो कह रहा ना कि किसी ने अनऑथराइज ऑक्यूपाइड की है, वह लीगल एक्शन लेगी सरकार, साड़ी जो भी लीगल एक्शन बनता लाँगे बिल्कुल कर रहे हैं। असी वो वास्ते सरकार साड़ी ने जोड़े है पिछले भी पैसे कुछ दिते थे, कुछ हूँ दे रही है, पानी का जोड़ा सरहदी इलाके राज्य की गट्टी है होर है उत्थे मेरे ख्याल कि 2018 के बिल्कुल ठीक कर। बाकी स्टेडियम जोड़ा पुरानी सरकार का बनाया हुआ सी, बड़े कपले ने, इनकुआरी चल रही है, पर मैं तुहानू वादे नाल कहना कि बड़ी जल्दी पूरा करा देंगे, पहले तो इनकुआरी हो जाए। उस बड़े व्डे व्डे कपले हुए हैं, बड़े पैसे खाधे गए लोगों ने, जिहड़े कि मैं कहना लखा रुपए खाधे गए हैं, उसकी सारी इनकुआरी हो रही है। एक बार इनकुआरी हो जाए तो उन्हें पूरा करावे। सरहदी इलाके उस स्पोर्ट्स कंपलैक्स की बड़ी जरूरत है, हॉकी स्टेडियम की बड़ी जरूरत है। अगर बच्चों नशे तो बचाना है तो मैं समझदा कि सानू स्पोर्ट्स के वल लैके जाना चाहिए। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस पार्क को हरी झंडी देने और पार्क की सभी कार्रवाई को पूरा करने के लिए धन्यवाद किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि शहर के अधूरे पड़े विकास प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए सरकार से फंड रिलीज करवाए जाएंगे। पंजाब के फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट। पंजाब के फिरोजपुर में सड़कों की हालत काफी खराब है, वहीं प्रशासन के अधिकारी बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आमतौर पर देखा गया है कि हमारी सरकार
और जिला प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से चाहे विकास के काम करने के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हों, लेकिन उनके दावों की हवा उस समय निकलती दिखाई देती है जब कोई मामला सामने निकल कर आता है। जिला फिरोजपुर में सरकार और प्रशासन के विकास कामों के लिए किए जाने वाले दावों की हवा उस समय निकल गई जब खस्ता हाल सड़कों से तंग आए इलाकों के लोगों, राहगीरों एवं वहां के दुकानदारों ने मीडिया को अपना दुखड़ा बताया। लोगों का कहना है कि फिरोजपुर छावनी और शहर के अंदर बनी हुई सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता हाल में है, जो कि कई गाँव को शहरों के साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों पर काफ़ी आवाजाही होती है, रोजाना ही यहाँ से कई तरह के बड़े छोटे वाहन गुजरते रहते हैं, जहाँ आए दिन कोई न कोई छोटी मोटी दुर्घटनाएं होते रहती है और बड़ी दुर्घटना घटने का हरदम खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि बरसातों के दिनों में हालात और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में अदर देन नेशनल हाईवेज 1004 किलोमीटर की लेंथ की सड़कों की अप्रूवल आई है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मंडी बोर्ड BNDR और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंडर जो जुरिस्डिक्शन में है सड़कें लिंक रोड्स उनकी रिपेयर होनी है, तो वो एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ देयर रिसोर्सेज और डिपार्टमेंट्स ने शुरू कर लेनी है। तो जी सड़क तुम्हें दसी वो कमेटी तो BNDR तो जुरिस्डिक्शन की हैगी उन्होंने शुरू कर देनी है, सारी अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट तो होगी तो जल्दी वह काम शुरू हो जाएगा। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1960 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ 1960 ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਪ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਤਰਸੀਦਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ? ਸੜਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ DC ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਏ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ 27 ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ MLA ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਦੱਸੋ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਸਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸੀ, MC ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਣ MC ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ MC ਹੈ। बहरहाल इस सारे मसले पर फिरोजपुर के DC रामबीर का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से पूरे जिले में 1004 किलोमीटर नई बनने वाली सड़कों की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका काम सरकारी नियमों के मुताबिक जल्द शुरू करवा दिया जाएगा, जिसके लिए संबंधित महकमों के पास पर्याप्त फंड्स भी मौजूद हैं। पंजाब के फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट, मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।